YouTube फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दूर की दृष्टि में। बॉलीवुड के एक ऐसा एक्टर जिनकी महान शक्ति और अजीबोगरीब टैलेंट दुनिया को नतमस्तक कर देता है। जी हाँ, फिल्म सिलेक्शन का कौन सा फिल्म रीमेक करना है, कौन सी नहीं करना है और कौन सी एकदम नहीं करना है, अगर इसका जवाब चाहिए तो चलते हैं बॉलीवुड के सिंघम के पास। जी हाँ, इनकी रीमेक फिल्म ऐसी होती है कि लोग ओरिजिनल ही भूल जाते हैं। जैसे बात करते हैं शैतान की, शैतान काफी लंबे समय तक थिएटर में चली थी और इसकी कमाई की बात करें तो धुआं धुआं कर दिया था। रीमेक के दुश्मन ऑडियंस थिएटर कूद कूद कर जाते हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही है। तो चलिए जानते हैं कहानी क्या है, अलग मोड ले रही है, जिसका जवाब अजय देवगन एक ओरिजिनल फिल्म लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, उसी समय अक्षय कुमार एक रीमेक फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम खेल खेल होता है। खेल खेल का फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि माल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। ये कोई ऐसा वैसा रीमेक नहीं बल्कि इसका 24 रीमेक बन चुका है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, अलग अलग लैंग्वेज में इसका रीमेक बन चुका है, लेकिन अब तक हिंदी में इसका रीमेक नहीं बना था। और इसी का फायदा उठाते हुए अक्षय कुमार ने इसका रीमेक हिंदी लेकर आए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि अधिकतर लोगों को इस फिल्म के बारे में पता ही नहीं है, यहाँ तक कि फिल्म का कखा गगा भी नहीं पता है। इस तरह की फिल्म आप अभी तक नहीं देखे होंगे। जी हाँ, आप लगे हाथ बैठे बैठे घर बैठे बैठे इस तरह की फिल्म अभी देख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे नहीं। चलिए हम बताते हैं कहाँ देख सकते हैं, अमेजन प्राइम पर, लेकिन आप नहीं देखेंगे। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आपके समझ से बिल्कुल बाहर है। इस बात का फायदा उठाते हुए अक्षय कुमार ने इसको सीधा लेकर पहुंच गए हैं थिएटर, और फिल्म का ट्रेलर देखकर काफी लोग काफी उत्साहित हो गए हैं और काफी लोग मजा भी ले रहे हैं। और फिल्म का ट्रेलर देखकर अक्षय कुमार के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। अगर मान लीजिए रिलीज अक्षय कुमार की फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी कुछ अलग ही है। जी हाँ, इसका ट्रेलर देखकर काफी लोग सस्पेंस में पड़े हुए हैं। इसकी फिल्म की कहानी की बात हम थोड़ी सी करेंगे, तो चलिए बताते हैं क्या है कहानी। अगर मान लीजिए आपका फोन किसी के हाथ लग गया तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा राज खुल जाएगा। आजकल किसी वकील और किसी डॉक्टर से ज्यादा आपके फोन में राज छुपा हुआ है। इस फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का भड़का लगा हुआ है, क्योंकि इसके डायरेक्टर की बात करें तो वो है जो पति पत्नी, और वो बनाकर लोगों को काफी बेवकूफ बना चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अक्षय कुमार और उनकी कॉमेडी टाइम के सामने पूरा का पूरा बॉलीवुड ही कहीं या पूरा देश नतमस्तक हो जाता है। अक्षय कुमार एंड कॉमेडी का जबरदस्त कम्युनिकेशन होता है। जी हाँ, 2019 में पाजी का एक फिल्म आया था गुड न्यूज, जिसके बाद तो फिल्मों की बौछार लग गई थी, लेकिन इसमें वो वाली तड़का भड़का देखने को नहीं मिला था जो खिलाड़ी में हेरा फेरी में देखा गया था। लेकिन कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म खेल खेल, ये कहानी कॉमेडी से कब अलग मोड़ ले लेती है ये किसी को पता ही नहीं चलता है। सस्पेंस से भरी हुई काफी फिल्म है और ट्रेलर देखकर लोग काफी उत्सुक हो चुके हैं पूरी की पूरी कहानी देखने के लिए। जी हाँ, पूरी की फिल्म देखने के लिए लोग काफी उत्सुक हो चुके हैं। और लेकिन इसका अक्षय कुमार ने जो डेट सिलेक्शन किया है वो काफी भीड़ भाड़ भरा हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। इसी समय में 15 अगस्त को ही फिल्म रिलीज होगी, और इसी समय बेदा स्त्री 2 और खेल खेल तीनों फिल्म रिलीज होगी। तो देखने वाली बात यह है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। स्त्री 2 की बात करें तो ये इसकी फिल्म बनाने के लिए 6 साल लग चुके हैं, और देखते हैं एक स्त्री ही दो मर्दों पर भारी पड़ती है या स्त्री पर कोई दो मर्द भारी पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है, अब इस बात का खुलासा 15 अगस्त को होगा। तो चलिए, आप कौन सी
फिल्म देखना पसंद करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको बेदा पसंद आ रही है या खेल खेल या फिर स्त्री टू। तो चलिए ये तो ऑडियंस के ऊपर है कौन किस पर भारी पड़ेगा, अब ये बताना काफी मुश्किल है।